हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू व्हाइल लूप क्या होता है सी शार्प के अंदर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था फॉर लूप, व्हाइल लूप क्या होता है, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, और उसका प्रैक्टिकली भी एग्जाम्पल हमने देखा था कि वो एक्चुअली एग्जीक्यूशन उसका कैसा होता है, हाउ नंबर हमने प्रिंट कराए थे, वो नंबर कैसे प्रिंट होते हैं। व्हाइल लूप और फॉर लूप का हमने सिंटैक्स देखा था, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो में अगर आपको फॉर लूप और डू व्हाइल लूप पता नहीं होता तो मेरे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डू व्हाइल लूप आखिर क्या होता है। तो गाइज, हमने व्हाइल लूप जब देखा था, व्हाइल लूप में हम क्या करते थे, पर्टिकुलर कंडीशन चेक करते थे। इफ कंडीशन चेक होती थी यानी कि ट्रू होती थी तो वो पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट होता था, ठीक है। लेकिन डू व्हाइल में, आप बोलोगे व्हाइल और डू व्हाइल में क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस भी मैं आज बताने वाली हूँ डू व्हाइल और व्हाइल में क्या होता है। तो गाइज, पहले हम देखते हैं डू व्हाइल का सेंटेक्स कैसे होता है। डू व्हाइल का सेंटेक्स कैसा होता है, पहले आपको क्या करना है, डू लिखना है। क्या लिखना है, डू लिखना है, और उसके बाद करली ओपन और क्लोज करना है, ठीक है। करली ओपन और क्लोज करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, आपका आउटपुट जो प्रिंट करने वाली है यानी कि कंसोल डॉट राइट लाइन, वो आएगा, ठीक है। अभी भी तो मैं सिंटैक्स बता रही हूँ। डू के ब्लॉक के अंदर हमारा क्या आएगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी आएगा। इंक्रीमेंट या मैं कमेंट करके देती हूँ, इंक्रीमेंट, हाँ। और डू के ब्लॉक के बाहर ही वाइल कंडीशन चेक होती है, ठीक है। वाइल और वाइल के ब्लॉक में क्या होता है, कंडीशन चेक होती है। कौन सी कंडीशन, जब हमारा लाइक मुझे 1 to 10 नंबर प्रिंट करवाने हो तो यहाँ पे हम उसकी कंडीशन दे सकते हैं, आई लेस देन और इक्वल टू 10। हमने तो अभी यहाँ पे आई वगैरह डिक्लेयर अभी तो कुछ नहीं किया है। जब भी हमको कुछ कंडीशन डिफाइन करना हो तो हम कहाँ पे करते हैं, वाइल लूप के अंदर, ठीक है। तो वाइल लूप होने के बाद इस राउंड ब्रैकेट के बाहर हमको सेमी कोलन लगाना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन नहीं दिया तो वो थोड़ा एरर दे रहा है, ठीक है। ये बेसिक सिंटैक्स है हमारा डू वाइल लूप का। तो एक्चुअली इसका प्रोग्रामिंग कैसे होता है ना, वो भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डू डू के ब्लॉक में जो मैंने कमेंट करके रखा था वो मैं निकाल दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, एक इंटीजर वेरिएबल डिफाइन करती हूँ और उसको 0 से इनिशियलाइज करती हूँ। मुझे 1 to 10 नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 0 से मुझे स्टार्ट करना है, और कहाँ तक लेना है, मुझे 10 तक लेना है। तो मैं कंडीशन क्या लिखती हूँ, आई लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। कंडीशन हम कहाँ पे लिखते हैं, वाइल के ब्लॉक में, उसके बाद सेमी कोलन होता है। देन मुझे क्या करना है, वो नंबर प्रिंट भी करवानी है, तो यहाँ पे क्या देती हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन और आई, ठीक है, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये हो गया डू वाइल का सिंटैक्स, और उसमें हमने वैल्यू प्रिंट, हम रन करके देखते हैं अब क्या आता है आउटपुट हमारा, ठीक है। तो अभी 0 to 10 से देखो हमारे नंबर प्रिंट हो गए, लेकिन एग्जीक्यूशन कैसे हुआ मैं बता देती हूँ। गाइज, यहाँ पे हमने हमको नंबर 0 से स्टार्ट करने थे, इसलिए हमने 0 को आई को इनिशियलाइज कर दिया। देन हमारा डू का ब्लॉक, देन डू के ब्लॉक में हमने क्या किया है, यहाँ पे डू के ब्लॉक में कोई कंडीशन वगैरह चेक नहीं किए, यहाँ पे जस्ट हमने मैसेज प्रिंट किया है और इंक्रीमेंट किया है। हमने कंडीशन का हमें दिखा दी है वाइल लूप में, क्या दी है, आई लेस देन और इक्वल टू 10, यानी कि 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक, 10 तक लेगा नंबर, और प्रिंट कहाँ पे कर रहा है, डू के ब्लॉक के अंदर, और इंक्रीमेंट भी कहाँ कर रहा है, डू के ब्लॉक के अंदर, ठीक है। तो गाइज, डू वाइल और वाइल में डिफरेंस क्या होता है, वाइल में क्या होता है, इफ कंडीशन आर ट्रू देन एग्जीक्यूट दैट ब्लॉक, बट कंडीशन हमारी फॉल्स होती है तो ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन जब भी हमारे डू का ब्लॉक जो है वो क्या होता है, कंडीशन जब भी फॉल्स रहती है तभी भी डू का ब्लॉक एटलीस्ट 1 time तो एग्जीक्यूट होता ही होता है, इफ कंडीशन आर फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या देती हूँ,
आई की वैल्यू अभी कितनी है, 0 है। यहाँ पे मैं कंडीशन क्या कर देती हूँ, फॉल्स कर देती हूँ। लेस देन है ना, मैं क्या कर देती हूँ, ग्रेटर देन 5 कर लेती हूँ। यानी कि कंडीशन हमारी क्या है, आई लेस देन सॉरी आई ग्रेटर देन 5 है क्या, नहीं है, तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई ना। तो देखो गाइज यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आता है, डू का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और हमारा वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है वाइल में और डू वाइल के लूप में, लूप के अंदर। अभी यहाँ पे देखो हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, फॉल्स हो गई तो हमारा एग्जीक्यूशन सॉरी प्रिंट नहीं होना था ना, लेकिन डू वाइल में क्या होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स रहती है तो तभी भी डू का ब्लॉक ऑलवेज एग्जीक्यूट होता है एटलीस्ट वन टाइम। तो आपको ये कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है, इस वीडियो में गाइस हमने सिंप्लीफाई किया कि डू वाइल का हमने कैसे एग्जीक्यूशन होता है, और वो कंडीशन जब भी फॉल्स होती है तो वो ब्लॉक पर्टिकुलर ब्लॉक एग्जीक्यूट कैसे होता है। ठीक है, तो अगर गाइस अगर चैनल पे आप नए होते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और शेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो।